माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है फ्रेंड्स आपका अलग लवी मॉम ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और हो गया हमारा ब्लॉग स्टार्ट मॉर्निंग से। तो आज मैं फ्रेंड्स अपना जो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, मॉर्निंग से पूरा नाइट तक का मेरा ब्लॉग है, फुल डे ब्लॉग। तो सबसे पहले भगवान को याद कर लेंगे मॉर्निंग में, उनका स्मरण करना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह शाम स्मरण करिए सोने से पहले और उठने के बाद भी। तो कर लिया है अपने प्रभु जी को याद और सोच लिया है कि दिन भर में आज क्या काम करना है। थोड़ा आलस तो आता ही है उठने में, तो टाइम हो रहा है 6:30। ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए बच्चों का टिफ़िन तो बनाना नहीं होता, बच्चे बड़े हैं। तो बस वही है टाइमिंग मेरा, 6:30, 7 o'clock ये सब हो जाता है। अब मतलब गर्मियाँ होंगी ना, तो टाइम को मैं और अपना बढ़ा दूंगी, जल्दी उठने की कोशिश करूंगी ताकि मेरे जो काम हैं वो सही टाइम पे हो पाए। और फ्रेंड्स जल्दी उठना तो बहुत ज़रूरी है, सारे काम हमारे फिर टाइम पे होते हैं। और अगर हम थोड़ा भी आलस कर जाते हैं मॉर्निंग में, तो पूरा दिन हमारा वही जो काम होते हैं नॉर्मल उन्हीं में काम में चला जाता है, कुछ एक्स्ट्रा हम टाइम किसी चीज़ के लिए निकाल ही नहीं पाते। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया है और मैंने कर दिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज स्टार्ट, जो कि मेरी सर्दियों में बंद थी। तबीयत भी मेरी ख़राब रही और मेरी उंगलियां हाथ पैरों की तो जैसे सूज जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं नहीं कर पाती हूँ बहुत सारे काम जो है। तो अभी मौसम हो गया सही, तो मेरी हो गई है फ्रेंड्स एक्सरसाइज स्टार्ट और मैं पी ले रही हूँ गर्म पानी, गुनगुना पानी आराम से तसल्ली से बैठ के। ये डेली का मेरा होता है, तसल्ली से बैठ के एक ग्लास गुनगुन जितना पी सकते हो पी लो, एक दो ग्लास तो पीना ही चाहिए। और कर लूँगी घुटनों की एक्सरसाइज, तो ये बहुत ज़रूरी है बढ़ती एज के लिए। कुछ एक्सरसाइज है ना जो कि हमको करनी ही चाहिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड कर लिया था और बाकी जो एक्सरसाइज है मैंने थोड़ी जो लेटने वाली होती है वो मैंने कर ली थी। राधे राधे जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुछ मंगल होंगे फ्रेंड्स और हमेशा खुशी रहेगा। तो करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत, जो कि मैं कर चुकी हूँ मॉर्निंग से ही। ये मेरा रूटीन होता है कि सबसे पहले प्रभु का नाम लेना, उसके बाद जो है अपने डेली दिनचर्या के जो काम होते हैं वो करना। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि मेरी जो एक्सरसाइज है ना वो घर के काम में इतनी हो जाती है कि जितना मुझे लगता है कितनी करनी चाहिए उतनी कर लेती हूँ। इसके एक्सरसाइज सिर्फ मैं इतनी ही करती हूँ, ज्यादा मैं एक्सरसाइज को टाइम नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मेरा डेली का जो काम होता है ना वो इतना ज्यादा होता है। और जब भी टाइम मिले कुछ सुबह कर लो और कुछ शाम को कर लो, तो शाम को भी मैं 5-10 मिनट जैसे भी मुझे मिलता है मैं निकाल लेती हूँ अपना बैक के लिए, हाथ पैरों के लिए, जो कि हमारी बढ़ती हुई एज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हाथ पैरों का मूवमेंट करना। और मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट है, मतलब सुबह से कर लेते हैं तो फिर ऐसा ना कि ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है। ये लेके आई थी मैं चाय का पतीला, देखो कितना क्यूट सा है, छोटा सा है ना। और ये मैं लवी के लिए लेके आई थी, वो अपने लिए कॉफी वगैरह बनाती है ना, कॉफी है पानी गर्म करना होता है उसको, तो ये स्पेशली लवी के लिए लेके आई थी। और गर्मियों में मेरे हाथ फिर सही हो जाते हैं तो हम लगा लेते हैं नेल पॉलिश, रात को लगाई थी मैंने, लेकिन अभी भी है ये खाल पूरी निकलेगी ना तो ये धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो इसमें कर लेते हैं लवी का दूध गर्म, बड़ा क्यूट सा है, एक और लेके आऊंगी मैं। और एक्सरसाइज थोड़ी सी एक्सरसाइज करूंगा गर्मी लगने लगती है, मेरा कैप था मैंने वो निकाल दिया। दूध गर्म कर लेते हैं और बनाते हैं चाय, चाय के बिना सुबह नहीं होती है। और कोशिश किया करें कि खाली पेट चाय ना लें, कुछ लें साथ में, मजबूरी है, चाय तो खाली ही अच्छी लगती है, लेकिन कुछ बिस्किट या कुछ भी एक साथ में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं गर्म कर लूंगी फ्रेंड्स लवी का दूध और अपने लिए रख दूंगी चाय। चाय जब तक मेरी खोलती रहेगी तो मैं बीच में बहुत सारे काम कर लूँगी घर के। और ये चलनी भी लेके आई थी और ये चलनी बहुत अच्छी है गाइज, ये ना इसकी शेप ऐसी है कि इसमें से जो चाय है ना वो बाहर नहीं निकलती। और ये मुझे इंस्टेंट दलिया फर्स्ट टाइम मैं लेके आई हूँ, बनाने का झंझट ही नहीं है, फटाफट से दूध डालो और खाओ। तो ये कभी कभी चल जाएगा, जैसे कभी नहीं मतलब कभी बहुत बिजी होते हैं तो ब्रेकफास्ट नहीं बना पाते तो दलिया अपना ले लीजिए, बढ़िया है, मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आया। और एक मल्टीग्रेन का दलिया लेके आई हूँ जिसमें सारी चीज़ें होते हैं, अनाज होते हैं, तो वो भी बेस्ट है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे लगा ले रही हूँ झाड़ू, चाय मैंने बना के रख दिया, तो जब तक मैं झाड़ू लगा लूँगी, सबसे पहले काम झाड़ू का है, अपना एक्सरसाइज फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और जो डीप क्लीनिंग होती है ना तो वो तो मैं फिर आराम से करती हूँ, क्योंकि नाश्ता पानी सब कराना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स
चाय तसल्ली से बैठ के मैंने पी ली थी, और चाय तो मुझे खाली ही पसंद है, लेकिन क्या करें, अब खाली चाय पेट को नुकसान करती है, पहले नहीं करती थी, पहले कुछ भी नुकसान नहीं करता था सच्ची में। मतलब पहले हम इतना चाय पीते थे और खाली ही पेट पीते थे, कभी कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि पेट की भी कोई बीमारी होती है, ये एसिडिटी होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है। अभी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना ये एसिडिटी की प्रॉब्लम, हर एक दूसरे बंदे को है ये वाली प्रॉब्लम। तो इसके लिए बस वही है कि थोड़ा सा खान पान में, अपने डेली रूटीन में हमें बदलाव करने की ज़रूरत है, ताकि हम ठीक रहें। हम ठीक रहेंगे तो हम अपने काम अच्छे से कर पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें सब अच्छे से कर पाएंगे। तो पहले खुद को ठीक कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी पोछा। फ्रेंड्स देखिए, अब गर्मियों में क्या है ना कि मैं अब हाथ से ही पोछा लगाऊंगी, ये मेरी एक्सरसाइज भी एक तरीके से है। और तो गाइज, मैं आ गई थी नहा धोआ के, और मैं बना ले रही हूँ ब्रेकफास्ट, लंच सब साथ में ही बना ले रही हूँ फटाफट से, क्योंकि मेरा काम सब टाइम से हो गया था। मॉर्निंग जल्दी उठने के बाद यही फ़ायदा है कि सारे काम जो है टाइम पे हो जाते हैं। तो बना लूँगी सूजी का चीला, जिसको गुदपम कहते हैं, मैं तो चीला ही बोलती हूँ मोस्टली इसको, और बना लूँगी कढ़ी, बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। दही होती है ना, तो मैं ये सब चीज़ें बना ही लेती हूँ फटाफट से। और आज जो कढ़ी है ना, थोड़ी सी चटपटी भी बनाऊँगी, कम बनाऊँगी, और कम जो चीज़ें बनती है ना तो बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ पर मैंने बना लिया था उत्पम, और कढ़ी लगा दिया छौंक, जो कि अब मुझे कंटिन्यू चलानी पड़ेगी। कड़ी को वही छोड़ नहीं सकते ना, फिर फट जाएगी, तो कंटिन्यू चलाती रहूंगी। थोड़ी पतली बनाऊंगी और उसमें डालूंगी मैं पकौड़े प्याज के और धनिए के, जो कि बहुत ही अम्मी टेस्टी कड़ी बनी थी। थोड़ी पतली बनाओ तो बाद में वो गाढ़ी हो जाती है। तो फ्रेंड्स वही है कि जब हम सही रहेंगे तो हमारे सारे काम भी अच्छे से होंगे। तो खुद को सही रखना है तो सबसे पहले हमें अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। और यहाँ पे हजबेंड जी आ गए थे, कुछ एनसीसी का प्रोग्राम था तो वो सब अपना अटेंड करके आ गए थे। और गाइज यहाँ पे मैं फिर उनको दे दूँगी ब्रेकफास्ट में दलिया, जो इंस्टेंट लेके आई थी ना, तो वो मैंने दे दिया था, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा था बनाने में, तो मैंने कहा पहले इनको दे देती हूँ तो वो सीखता रहेगा उत्पम जो है मेरा। और देखिए कड़ी मेरी बन गई है पकौड़े वाली, उसमें डाल दूँगी पकौड़े और ढक के रख दूँगी गाइज। तो वो ये कि फ्रेंड्स सही रहना है ना तो हमको खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा, और वो ध्यान दिया जाएगा आपको 32 बार फार्मूला अपने लाइफ में लाकर, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है गाइज। मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उससे। और यहाँ कर ले रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट, तो टाइम काफ़ी हो गया है फ्रेंड्स। मैं कर लेती हूँ नाश्ता, और जो बनाया था ना चीला था सूजी का, वो मैंने तोड़ के उसमें सॉस मिक्स कर लिया, और अब मैं बनाऊंगी रोटियाँ जो खाएंगे जैसे ही। तो फ्रेंड्स मैंने कर लिया था नाश्ता तसली से बैठ के, 4 ही उत्पम बनाए थे, 2 लवी ले लिए, एक हस्बैंड जी ने और एक मैंने, उसमें सॉस वगैरह डाल के खा लिया और उनको दलिया दे दिया था। और फिर उसके बाद मैं अपना रोटी बनाने लग गई थी, वो अपना चले गए थे स्कूल में। तो यही काम होते हैं फ्रेंड्स हमारे, मॉर्निंग टू इवनिंग घर के काम तो हमारे ख़त्म नहीं होते, तो उसी काम में से अपने लिए टाइम निकालिए। और टाइम क्या फ्रेंड्स, वो ये खान पान पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी खाओ, मतलब खाने में कमी नहीं करनी है, खाओ कुछ भी, लेकिन वो 32 बार करके खाओ, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा रीड किया है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में मैंने पढ़ा है, तब मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, जो कि बहुत इफेक्टिव है। मैंने ये 2-3 बिल्कुल आज 3रा दिन हो गया, और रियली बता रही हूँ कि जो खाना आप थाली भर के बैठोगे ना, उसका आधा खाना खाओगे अगर ये इस तरीके से आप खाना खाओगे तो। और फ्रेंड्स इसकी सबसे अच्छी बात ये है ना कि आपका पेट एकदम से भरा रहेगा और इजी डाइजेस्ट होगा, और बहुत सारी चीज़ें आपकी, मतलब आपको खुद ही फील होगा कि आप अच्छा फील कर रहे हो और आपको भूख भी नहीं लग रही, कम खाना खा रहे हो और पेट भरा है। खुश होके खाओ, कोई टेंशन के साथ मत खाओ उस खाने को, एकदम से मतलब कहते ना कि पहले आँखों से खाना खाओ फिर अपने मुँह में डाल के खाओ। तो सब चीज़ें फ्रेंड्स खुश रहने की, हेल्दी रहने की, पेट सही तो सब सही, सारी चीज़ें जो है पेट से ही हमारी आती हैं। पेट सही है तो मतलब आधी से ज़्यादा बीमारी तो वहीं ख़त्म है। आधी क्यों, मुझे तो लगता है सारी बीमारियों का जो अंत है ना वो पेट से ही हो जाता है, पेट से शुरू होता है वहीं पे खत्म। वैसे तो ना मैं मोस्टली रात को ही कपड़े धोती हूँ, लेकिन आज जो है ना मैंने जल्दी काम कर लिया अपना कपड़ों का, दोपहर के आसपास अपने कपड़े भी धुल दिए, सुखा के भी आ गई। और ये कम्बल कई दिनों से मतलब सोच रही थी इसको सिल दूँ, इसकी साइड है ना वो पूरी, इसकी जो बॉर्डर है वो निकल रही थी, तो पैरों में फंस रही थी। मतलब ये लगा लो कि इस काम के लिए भी ना मेरे को सोचना पड़ रहा है कि इसको कब करूँ, तो ये आज फाइनली मैंने कहा इसको कर देती हूँ, तो ये मैंने सिल दिया है। तो यहाँ पे कर ले रही हूँ संध्या पूजा फ्रेंड्स, उसके बाद जो है अपने रसोई का काम देखूंगी, कौन क्या खाएगा पूछूंगी कि भाई उसके हिसाब से फिर अपना बनाऊंगी। शाम को थोड़ा कम ही खाते हैं ना, तो फिर वही है कि कहीं बना लूँ फिर कोई खाए ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और जो कपड़े ले आई थी मैं ऊपर से उनको मैं तय कर दूंगी गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड जो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेगा फ्रेंड्स। और मैं बना ले रही हूँ मल्टीग्रेन की रोटियाँ, और देखिए कढ़ी
कड़ी का ना कलर थोड़ा मतलब फोन में ऐसे होता है, देखो कभी एकदम से डार्क येलो आता है फिर लाइट आता है। और ये चाप मैंने बनाई थी तो वो थोड़ी सी रखी थी, बैगन आलू की सब्जी थी तो वो रखी थी कल की, और थोड़े से मैंने राइस बना लिए थे क्योंकि लवी ने कहा था कि वो बेसन से जो है राइस खाएगी, दिन में उसने रोटी खा ली थी तो वो कड़ी बनती है तो फिर उसको चावल चाहिए चाहिए, और मल्टीग्रेन की रोटियां हो गई। और ये मेरी थाली लग गई है फ्रेंड, ये सब सब्जी मेरे को खत्म करनी है और खाऊंगी आराम से धीरे धीरे 32 बार का फॉर्मूला यूज करके गाइस। और हो गया मेरा सारा काम किचन का, किचन हो गई है क्लीन, सब कुछ क्लीन करके रखो तो सुबह बहुत अच्छा लगता है मन को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नई ब्लॉग।